अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं गिन आ गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ 1 बाइट चिकन चटकारा कबाब विद ग्रेवी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तभी जाकर आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। इस रेसिपी के लिए हमने बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें ली हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में बनकर रेडी हो जाती है। सबसे पहले आधा किलो चिकन ले ली है बोनलेस, 1/2 कप धनिया ले लिया है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 8 से 10 जो है वो लहसुन की कलियां हैं, 6 से 8 हमारे पास, या 8 से 10 आप वो ले लें हरी मिर्चें, छोटी वाली हरी मिर्चें। साथ ही साथ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर जो कि बहुत ही ज़रूरी है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हसबी ज़रूरत नमक। चिकन पाउडर से क्या होगा, इस रेसिपी का जो है वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को ग्राइंडर में ऐड कर देंगे इस तरीके से, चॉपर या ग्राइंडर में, और अच्छी तरीके से इसको चॉप कर लेंगे, ये देखें इस तरह। और फिर हम इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे, ये देखें इस तरह, और इसका कीमा कर देंगे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से, और जो सारे स्पाइसेस बताए थे वो ऐड कर देंगे। अगेन चॉपर को बंद करेंगे और अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से, ताकि सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएं। अब साथ ही साथ हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। और यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, 1 टीस्पून जितना बैटर लेंगे, और इसको कबाब की शेप दे देंगे। सर्कल टाइप के हमने कबाब बनाने हैं तो उस तरीके से आप इसकी शेप दे दें, या कोई भी शेप का आप बना सकते हैं। 1 बाइट कबाब छोटे छोटे से बनाकर हम रेडी कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से, और इसी तरीके से सारे कबाब्स बनाकर हमने रेडी कर लेने हैं। इस रेसिपी से जो है वो अच्छे खासे कबाब बनकर आपके रेडी हो जाएंगे। तो बस हमने कबाब्स को रेडी कर लेना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक पॉट ले लिया है या कढ़ाई ले लें, जो भी इसमें ऑयल ऐड करेंगे। शैलो फ्राई करना है कबाब को, डीप फ्राई नहीं करना, तो बस हल्का सा ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना ऑयल को गर्म होने देंगे। और यहाँ पर हमारे जो है वो कबाब भी सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इसमें कबाब ऐड करेंगे, कबाब ऐड करना है तब जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। बस एक एक करके कबाब ऐड करेंगे और जो कबाब फ्राई होते जाएंगे उसको साइड करते जाएंगे, ये देखें इस तरीके से कबाब ऐड कर दिए हैं मैंने सारे, और इसको अच्छी तरीके से अब हम फ्राई करेंगे। यहाँ देखें बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेने हैं, दोनों साइड से हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, साइड चेंज करते रहेंगे जब ये फ्राई हो जाएंगे, ये देखें इस तरह। और यहाँ ही हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं तो हम साइड पे 1/2 कप योगर्ट ले लेंगे, उसमें हसबे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चाट का मसाला ऐड करेंगे, साथ ही साथ 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, ये देखें इस तरीके से। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे और कबाब्स को देख लेंगे, ये देखें हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ये वाला पेस्ट ऐड कर देंगे, दही वाला जो कि हमने मसाले डालकर बनाया, और इसको जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये देखें इस तरीके से। 2 मिनट तक अब हम ग्रेवी को अच्छी तरीके से पकने देंगे, ये देखें इस तरह। और अब हम इसमें वेजीज ऐड कर देंगे, वेजीज का हमने एक बाउल बना लिया था जिसमें हमने गोभी ऐड की है, शिमला मिर्च ऐड की है, प्याज और थोड़ी सी हरी प्याज ऐड कर दी है, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें इस तरीके से। अब इस तरीके से हम सब्जियों को जो है वो थोड़ा सा सोटे होने देंगे, साइड पर ही इसको जो है वो सोटे कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर जो है वो कबाब में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियों में भी जो है वो सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, ये देखें इस तरीके से बिल्कुल ही अच्छे से। 2 मिनट तक हम जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे और बस अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए,
और यहाँ देखें 5 to 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर आउट करेंगे। और साइड पर जो है वो हमने कोयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब जो है इसमें हम कोयले का धुआं दे देंगे, थोड़ा सा कोयल का स्मोक दे देंगे, इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ 5 मिनट। और यहाँ देखें 5 मिनट्स हो चुकी हैं, अब हम कोयल को रिमूव कर देंगे, ये देखें इस तरीके से। और हमारे चटकारा कबाब, 1 बाइट चटकारा कबाब बिल्कुल ही इजीली रेडी हो चुके हैं। तो देखा कितनी ईजी और कितनी झटपट तरीके से हमारे 1 बाइट चिकन चटकारा कबाब की रेसिपी रेडी हो गई। अब मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी, ये देखें कितने डिलीशियस बनकर, कितने सॉफ्ट बनकर ये रेडी होते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया, दही और हरी प्याज ऐड की थी। ये देखिए अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितने यमी बनकर रेडी हुए हैं। देखा कितनी इजीली हमारे सॉफ्ट से चटकारा कबाब बनकर रेडी हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कॉमेंट करें और ऐसी झटपट सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल द स्पाइस सिस्टर को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।